everyone, and welcome to the online training program for the primary level teachers, The Peculiarities of Pronunciation of Words. In this training program, we shall know the correct pronunciation of words from the English and other subject textbooks. By other subject textbooks, we mean EVS and Gintara textbooks of English medium schools. आइए ट्रेनिंग मॉड्यूल के इस भाग में हम कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सीखते हैं जिन्हें हम रेगुलरली यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, वही रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज के नाम से जानते हैं। गर्मियों में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो क्या बात है। और अगर ठंडा पानी रेफ्रिजरेटर की जगह मिट्टी के घड़े का हो तो आहा, मजा ही आ जाए। मिट्टी के घड़े को हम इंग्लिश में अर्दन पॉट या पिचर भी कहते हैं। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। जरा गौर फरमाइए एम्प्टी की स्पेलिंग पर। स्पेलिंग है EMPTY, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन एम्प्टी है एंड नॉट एम्प्टी। एम्प्टी में पी लेटर साइलेंट है। इसी तरह एक कहावत और है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, इस कहावत का अर्थ तो सब बखूबी जानते हैं। हमारा फोकस है अर्ली इस वर्ड के प्रोनंसिएशन पे, जिसमें आर लेटर साइलेंट है। वी डोंट से अर्ली, वी से अर्ली। कैन यू पास मी द बाउल प्लीज, प्लीज Bring the bowl here. इन सेंटेंसेस में जिस तरह बाउल बोला गया है वह गलत है। BOWL बोल होता है। Yes, bowl and not bowl. So the correct sentences are, Can you pass me the bowl please? Please bring the bowl here. Pour the milk carefully. नहीं, pour the milk carefully. It is pour and not pour. P-O-U-R, pour. इस वर्ड में R साइलेंट है। W-R-A-P, रैप होता है और ना कि रैप। It is wrap. We wrap gifts with wrappers. We wrap ourselves with loose garments like shawls. हल्दी, हल्दी तो सब जानते हैं। इट इज एन इंडियन स्पाइस रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हल्दी को हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं एंड नॉट टर्मरिक। आवर नेक्स्ट वर्ड इज CONTRIBUTION, कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान, जो किसी भी कार्य या धन के रूप में हम कर सकते हैं। कई लोग इसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट प्रोनंसिएशन। द वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन। यस, कॉन्ट्रीब्यूशन। आपकी मम्मी की बहन का बेटा, आपका क्या लगता है? मेरी मम्मी की बहन का बेटा? क्यों हो गए ना कंफ्यूज? मैं बताती हूँ, आपकी मम्मी की बहन का बेटा आपका कजिन होगा। कजिन नहीं, कजिन। Oh, my cousin lives in Kashmir. Terrace, TERRACE. Terrace का मतलब है छत। Terrace का असली मजा तो गर्मियों की छुट्टियों में नानी या दादी के घर पर ही आता था। जब सारे cousins मिलकर terrace पर सूख रही raw mangoes और tamarind छुपा कर खाया करते थे। या फिर लाइट जाने पर देर रात तक तारे गिनते गिनते ट्रांजिस्टर पर गाने सुनते हुए छत पर ही सो जाया करते थे। और जब ये किस्से हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। हमें भी कभी अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं होने देना चाहिए,
जिससे हमारी लर्निंग हमेशा चलती रहे। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के बारे में हम सब जानते हैं। ओलंपिक्स इज हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। दुनिया भर से सेलेक्टेड एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार कंसिडरिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, ओलंपिक्स की ही तर्ज पर पैरालंपिक्स की शुरुआत की गई, जहां पर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स अपनी स्पेशलिटीज का प्रदर्शन करते हैं। Let us repeat these words to learn their correct pronunciations. Refrigerator, refrigerator. Earthen pot, earthen pot. Pitcher, pitcher. Bowl, bowl. Wrap, wrap. Rise, rise. Wise, wise. Contribution, contribution. Empty, empty. Vessels, vessels. Terrace, terrace. Mangoes, mangoes. Tamarind, tamarind. Differently abled, differently abled. Turmeric, turmeric. Early, early. Curiosity, curiosity. Learning, learning. Athletes, athletes. Participate, participate. Considering, considering. Confuse, confuse. Cousin, cousin. Talents, talents. Aspiration, aspiration. Specialities, specialities. Thank you.